वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राजकुमार और हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारे 2.3 एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 9 से। तो उदाहरण नंबर 9 लिख सकते हैं 2x^4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2k सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यांक √2 और -√2 ज्ञात हो। मतलब हमें यहाँ पर दो शून्यांक ज्ञात दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त जो हमें इसके जो शेष शून्यांक हैं उनको हमें फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन है 3x^4 + 6x - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और -√5/3 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें शून्यांक दिए गए उनको हम ले लेते हैं। तो दो शून्यांक हमें दिए, एक √5/3 और एक है -5√5/3। ऐसे दो दिए हैं तो दोनों हम ले लिए। ठीक है, √5/3 और दूसरा आपका माइनस के √5/3। इनको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा √5/3 और जो दूसरा रहेगा वो भी आपका हो जाएगा एक्स, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका √5/3। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जांपल कर रहे थे हम, उसमें हमने क्या कहती थी, एक सरसमीका लगाई थी, तो वही सरसमीका यहाँ पर भी हम सेम लगाएंगे। ठीक है, कौन सी लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। ठीक है, तो वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और -√5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वर्ग से वर्गमूला आपका कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये आया है इसका हम क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। जिससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक हमारा भागफल आएगा और भागफल के हम गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इसका इसमें भाग दे दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेंगे फर्स्ट स्टेप में, क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 मल्टीप्लाई करिएगा। तो सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 ले लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर x है जबकि यहाँ पर x^4 है, तो कितनी चाहिए हमें, 2 और चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे, मतलब 3x² से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3x^4 - 5/3 और मल्टीप्लाई होगा आपका 3x² 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3x^4 - 5x². ठीक है, जहाँ पर ये लिख लीजिए, पहले ये पावर के नीचे पावर लिखना है, तो 3x^4 ये माइनस का यहाँ लिखेंगे 5x²। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो ये आपका प्लस हो जाएगा। चलिए, हमने हमारे साइन चेंज कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको काट दे रहे हैं क्योंकि दोनों के साइन सेम है और नंबर भी सेम है आपके। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन चेंज कर, तो ये प्लस का हो गया, माइनस का, तो दोनों कट गए। ठीक है, अब हम जो इसके पास पावर कितनी होती है, 6x³/3 उतारेंगे। अब उसके बाद देखिए प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 3x³/2। ठीक है, उसके बाद बड़ी संख्या चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। ठीक है, अगला नंबर उतार लेंगे, अगला नंबर क्या है हमारा, फिर से ये वाला उतार लेंगे -5/3। अब ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। ठीक है ना, अब हमें कितने चाहिए, सबसे पहले 6 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ देखिए करें, है ना, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक्स है जबकि चाहिए हमें 6 नंबर्स के बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ 3 की पावर है जबकि हमारे पास कितनी पावर है, केवल 2 की है, तो हम यहाँ पे x और लिख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3x^3 ये माइनस अब 6 मल्टीप्लाई 5x और अपन में हो जाएगा 3 ये वाला। ठीक है, 3 बन जाए 3 और 3 2 जाए 6, तो कितना आ गया तुम्हारा आपका 3x³ - 5 2 जाए 10x हो गया। अब घात के नहीं, घात लिखेंगे तो अभी ये देखिएगा कि 10x हम उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये लिखना है हमें x पावर वाला। ठीक है ना, तो पहले हम लिख दे रहे हैं 6x^3, उसके बाद लिखेंगे माइनस का 10x, है ना, पावर पावर के नीचे लिखा जाता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपकी मिस्टेक्स क्वेश्चन में ना के बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों कट गए आपके, ये भी कट जाएंगे आपके, क्या बचेगा यहाँ से 3x² और यहाँ से बचेगा आपका -5। ठीक है,
तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, दो स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, दो स्टेप में हमारा इतना आ गया, अब तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरे स्टेप में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे स्टेप में फिर से वही लेते हैं हम एक्स स्क्वायर फाइव अपॉन थ्री लेते हैं। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई देखिएगा ध्यान से कि हमें कितना चाहिए, यहाँ पर थ्री चाहिए, तो थ्री से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और उसके बाद देखो एक्स पावर टू है, यहाँ भी एक्स पावर टू है, मतलब हमें अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, थ्री चाहिए था, हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिए सॉल्व, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री से थ्री कट गया, क्या बचेगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव, ये यहाँ उतार ले रहे, तो थ्री एक्स के ऊपर दो की घात माइनस के फाइव, अब वही करेंगे घटा देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये दोनों कट गए और ये दोनों भी कट गए, मतलब आपका क्या गया यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब शून्य बचा। ठीक है, जब आपका शेषफल शून्य बचा है तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका भागफल लिख लेंगे, तो भागफल कितना है हमारा, भागफल, ठीक है, भागफल, तो पहले भागफल यहाँ लिख ले रहे हैं, तो पहले हमने किससे गुणा किया, थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमने किया प्लस के सिक्स एक्स से, और एट द लास्ट हमने किया माइनस थ्री से। ठीक है, एट द लास्ट हमने प्लस के थ्री से किया, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस का थ्री है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपका भागफल है वो आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के सिक्स एक्स और प्लस के थ्री आए। ठीक है, अब जो आपका ये भागफल आया इसके हम क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालने के बाद फिर वही हमें शून्यांक निकालने इसके, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो थ्री ये लिखा है, तो पहले हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री से जाकर कितना होता है नाइन होता है, तो ऐसे दो नंबर फाइंड करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो नाइन आ जाए, और जिनका गुणा करें, जिनका मल्टीप्लाई करें तो नाइन आ जाए, और जिनको प्लस करें तो हमारा सिक्स आ जाए, तो थ्री प्लस थ्री इजिकल टू सिक्स होता है, और थ्री मल्टीप्लाई थ्री आपका नाइन होता है, तो हम लिखते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। ठीक है ना, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स यहाँ पे लिख देंगे हम, थ्री प्लस थ्री और आखिरी में एक्स प्लस थ्री, देखिएगा कि यहाँ पे कॉमन चीज क्या आ रही है, तो पहले हम इसकी ब्रैकेट खोल ले रहे हैं, फिर उसके बाद कॉमन लेंगे। ठीक है, थ्री का एक्स से करेंगे तो थ्री एक्स और थ्री एक्स और प्लस में थ्री, अब देखिएगा कि दोनों जगह पे क्या चीज कॉमन है, तो या एक्स यहाँ भी मिल जाएगा, एक्स यहाँ भी मिल जाएगा और थ्री भी मिल जाएगा, तो थ्री कॉमन ले लेते हैं थ्री, और साथ में ले लेंगे हम एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ आपका एक्स प्लस में थ्री, पूरा एक्स पूरा थ्री एक्स पूरा बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा आपका वन प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे हम लेंगे थ्री कॉमन, क्योंकि थ्री यहाँ भी आ जाएगा यहाँ भी मिल जाएगा, तो बचेगा आपका एक्स प्लस वन, अब दोनों ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों ब्रैकेट सेम है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे थ्री एक्स प्लस थ्री और दूसरा ब्रैकेट जो सेम आया मतलब एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हमारे जो गुणनखंड है वो आ चुके हैं, अब हम गुणनखंडों के द्वारा इनके शून्यांक भी फाइंड करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, जो आपके गुणनखंड फाइंड किए थे वो हम शून्य के बराबर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका थ्री एक्स प्लस थ्री बराबर में जीरो आ जाएगा, या एक्स प्लस वन बराबर में आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, शून्य आ जाएगा, तो थ्री एक्स इजिकल टू आएगा, ये प्लस का है उस साइड आके आपके माइनस के थ्री हो जाएंगे, या एक्स इजिकल टू ये प्लस का उस साइड आके माइनस के आपका वन हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो माइनस के थ्री ऑलरेडी है, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा आपका डिवाइड में, तो थ्री से थ्री कट जाएगा। ठीक है, या एक्स इजिकल टू आपका माइनस वन। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका माइनस का वन, या एक्स इजिकल टू माइनस वन। ठीक है, तो हमारे दो मान आ गए, एक माइनस वन और दूसरा भी आपका माइनस वन आ गया। ठीक है, तो जो हमारा बहुपद था थ्री एक्स टू पावर फोर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव के जो शेष शून्यंक आपके माइनस वन और माइनस वन होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चार शून्यंक हमने फाइन कर लिए, किसके थ्री एक्स फोर प्लस एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव के, दो ऑलरेडी दिए थे आपको रूट फाइव अपॉन थ्री और माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री, और जो शेष दो थे वो हमने फाइंड कर लिया है। वैसे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, हमने आपको विभाजन जो मेथड है वो हमने अच्छे तरीके से आपको समझा दिए, इसके लिए आप थोड़ा जो आपका रिविजन हो जाए उसके लिए हम आपको दो क्वेश्चन दे दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे करिएगा, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं दो क्वेश्चन आपके लिए, पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, और जी एक्स दिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो इसका इससे डिवाइड लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स इजिकल टू एक्स टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स प्लस फाइव, और जी एक्स दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, इसको पहले सही तरीके से घातों के क्रम में लिख देना, उसके बाद इससे डिवाइड लगा देना। ठीक है, वैसे आपको दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, यदि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः एक्स माइनस टू और माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो जी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, जी एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो पी एक्स हमें दिया है कितना,
एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये लिख लिया। जी एक्स हमें फाइंड करना है, वो फाइंड कर लिया। क्यू एक्स तो एक्स माइनस टू, और आर एक्स है आपका माइनस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि पी एक्स इक्वल टू होता है जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ठीक है। तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले पी एक्स के मान हमारे पास क्या है, देखिए कि यहाँ पर चार वैल्यू दी गई हैं, तो चार में से कोई तीन वैल्यू दी होंगी और आपको जो चौथी वैल्यू रहेगी उसको हम पास फाइंड कर सकते हैं आसानी से इस फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिएगा कि पी एक्स का मान कितना है हमारा, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इजिकल टू जी एक्स, क्या करना है हमें फाइंड करना है, तो जी एक्स का जी एक्स से लिखे रहेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिएगा कि क्यू एक्स का मान कितना है, तो वो दिख रहा होगा आपको एक्स माइनस टू, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि दो नंबर हैं आपके। उसके बाद प्लस फिर ब्रैकेट में आया क्योंकि यहाँ पर फिर दो नंबर हैं आपके, टू एक्स प्लस में फोर, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये लिख ले रहे हैं यहाँ पर और इस वाले नंबर को हम इस साइड फाइंड कर दें, मतलब देखिए पहले लिख ले रहे हैं एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब देखिएगा ये क्या है आपका प्लस का ऐसा रंग क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस लगा दीजिएगा और जो नंबर से वो लिख लिएगा, मतलब टू एक्स प्लस में फोर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, जी एक्स इजिकल टू बचा है आपका जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू बचा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करिएगा तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये माइनस ई माइनस 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 प्लस की टू एक्स हो जाएंगे, ये प्लस ई माइनस प्लस माइनस माइनस फोर बराबर हो जाएंगे आपके जी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका एक्स माइनस टू इस साइड आ जाएगा तो हम सीधा ले सकते हैं जी एक्स इजिकल टू, ठीक है, ये पहले लिख लीजिएगा। तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, टू अब पहले टू, उसके बाद है प्लस के टू एक्स माइनस के फोर, ये आपका कहाँ था, ये आपका था ये वाला मल्टीप्लाई में, तब पहुंच जाएगा आपका डिवाइड में, ठीक है। तो x माइनस टू पहले हम इसको सही तरीके कर ले रहे हैं, मतलब जो नंबर्स दिए हैं उनको जोड़ ले रहे हैं घटा ले रहे हैं जो भी अपना, मतलब एक सिंपल इक्वेशन बना ले रहे पहले हम इसकी, ठीक है। तो x पावर q, तो x पावर q लिख लीजिए सबसे पहले, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है वो लिख लीजिए। अब x के पद कितने हैं, देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब दो और एक कितने हो जाएंगे आपके, प्लस के तीन एक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस ये है और प्लस का, माइनस प्लस माइनस होते हैं, चार में से दो जाएंगे तो दो बचेंगे, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस तो माइनस लिख लेंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है आपका, एक्स माइनस में टू, ठीक है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब हमारा जी एक्स इजिकल टू इतना आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये वाला बहुपद दिया है इसमें, इस बहुपद से हम डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, जिससे आपका जो जी एक्स आएगा वो आपका फाइंड हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसका इससे डिवाइड लगा दे रहे हैं, उसके बाद आपका जो आंसर आ जाएगा जी एक्स वो हमारा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप में आएंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टू ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे हमें चाहिए एक्स के ऊपर थ्री की पावर और हमारे पास सिर्फ एक्स के ऊपर वन की पावर, तो हम क्या करेंगे, एक्स पावर टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा आपका एक्स पावर थ्री माइनस, ठीक है। अब टू का एक्स करेंगे तो टू एक्स पावर टू, ठीक है, इसको यहाँ लिख ले रहे, तो आएगा एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर, आप प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपके कट जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है तो हम लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, तीन में से दो जाएंगे तो एक्स बचेगा, ठीक है। और बड़ी संख्या माइनस तो माइनस लिख लीजिए। अगला नंबर डाल लेंगे थ्री एक्स, ये फिर से ले लेते हैं दूसरे स्टेप में, तो हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसका जल्दी से। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस ले लिया यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स की पावर दो है और यहाँ पे एक्स के ऊपर वन की पावर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर का माइनस का प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे इसका एक्स पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स पावर स्क्वायर, ये माइनस ही माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएंगे आपके टू एक्स, ये यहाँ पर उतार दे रहे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस को उतार देंगे हम टू एक्स, ठीक है। अगला नंबर लिख लेंगे, तो देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गए। अब ये थ्री एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, थ्री में से एक्स दो एक्स जाएंगे तो बचेगा आपका एक्स, बड़ी संख्या प्लस तो प्लस रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर है आपका टू, तो टू उतार ले रहे हैं, अगला नंबर है आपका, ठीक है। थर्ड स्टेप में आते हैं, तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें चाहिए एक्स माइनस टू और हमारे पास वो है, तो हम वन से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेम टू सेम चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस दोनों कट जाएंगे, आपका क्या बचेगा, शेषफल शून्य बचेगा, ठीक है। जब आपका शेषफल शून्य हो जाएगा तो जो आपकी भाज्य प्रेमिका है उसे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आप आंसर क्या गया हमारा, पहले हमने किया एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, दूसरी बार माइनस एक्स, तीसरी बार में किया हमने प्लस वन से, ठीक है। तो जो हमारा जी एक्स का मान था
वो आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो कि हमें फाइंड करना था। वैसे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। वैसे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सके। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।